और जो आज आप सब युवाओं को देखकर खुशी से बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, भाई देवेंद्र यादव जी, श्रीनिवास बी, और मैं कहता हूँ ए टू जेड सब श्रीनिवास जी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैंने परसों सोनिया जी के सम्मुख कहा कि युवक कांग्रेस और NSY ने हमको एक नई ऊर्जा दे दी है और ऊर्जा के स्रोत बन करके श्रीनिवास उभर करके सामने आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत पुरातन की धरती में स्वागत। हमारे सह प्रभारी, हमारे बहुत प्यारे प्यारे पड़ोसी धर्माणी जी, राजेश धर्माणी जी, ये भी युवा हैं। वैसे यहाँ जितने बैठे हैं ये सब युवा हैं, इनमें केवल एक आउट ऑफ डेट मॉडल में ही हूँ। और जन्म से ही जिसको किशोर रहना है, हमारे पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी, और मैं बहुत बहुत हमारी एक बड़ी संभावना से जुड़े हुए युवा साथी प्रकाश जोशी जी, हमारे लोक कांग्रेस के प्रदेश माननीय अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी और मोहन भंडारी जी जो NSY के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे जो जिनको मैं हमारा जो युवा बैंक है उस बैंक के एक बड़े सशक्त चेक में मनीष खंडूरी जी यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे और युवा साथी जी हैं, नारायण इत्यादि सब हमारे उसमें हैं, सरिता जी, दूसरे लोग, दोनों हमारे सम्मानित विधायक हरीश जी, आदेश जी, सभी पूर्व विधायक गण, हमारी जिला कमेटी के अध्यक्ष गण भी आए हैं, पूर्व अध्यक्ष गण भी आए हैं, महिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष तो हमारे साथ ही यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणों में आनंद रावत जी, भुवन कापड़ी जी, और सबसे जो वरिष्ठम है युवा कांग्रेस के साथियों में राजपाल खैरोला जी जो, और हमारे सभी युवा साथी, हमारी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं अपने राज्य की इस उफनती हुई, जोश से भरी हुई युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं। और मैं आपको सत्सत बार नमन, हमारे मैंने सबसे पहले हमारे सामूहिक विश्वास के प्रति हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, तो मैं आप सबको सशक्त नमन करता हूं। मुझसे कल अखबार के कुछ दोस्तों ने पूछा किसान आंदोलन को लेकर, उसमें कहा कि भगवान से और किसान से कोई नहीं जीती। आज मैं बयान को करना चाहता हूँ
किसान और भगवान के बाद नौजवान बताया हम कोई नहीं। और इतनी ताकत होती है नौजवान ऊर्जा में, आप जब तक हम लोग अपने घरों से चल रहे थे, देवेंद्र जी दिल्ली से लॉन्ग कोट पहन के आए और किसे मेरे कान धीरे से बता दिया, तो मैंने कहा यार मुझको भी लॉन्ग कोट पहन लेना चाहिए, तो भी दिल्ली वाले पहन रहे हैं तो मुझे भी उसको पहन लेना और मैं भी लॉन्ग कोट डांट करके आ गया। लेकिन जब आप जुटे, आसमान के बादल भी पिघल गए हैं और सूर्य दिखाई दे, और जिस तरीके से ये सूरज दिखाई दे रहा है, यदि आप डटे रहे मैदान में, आप जमे रहे मैदान में, आपने अपना जोश और होश दोनों कायम रखा, तो श्रीनिवास जी और सुमित्र भुल्लर जी, वैभव वालिया जी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आपने इस काम रखा तो फिर आज हमारी आशाओं का ही एक सूरज उग। हम जितने यहां पर बैठे हुए हैं, जिनको आप वरिष्ठ कह लो, कुछ कह लो, हमारे मन में आप सबकी उपस्थिति से एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैंने इसीलिए आपसे कहा थैंक यू कांग्रेस और थैंक यू हमारे यूथ, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जब जब अवसर आया, जब जब चुनाव का अवसर आया, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे हमारे नगर निकायों के चुनाव हो, या हमारे घर हमारी ग्राम पंचायत के चुनाव हो, हमने हमेशा युवा को महत्व दिया। आपके बीच में कई युवा बैठे हुए हैं, जो आज भी युवा है। हरीश है, ये हमारे हर्षवान जी हैं, उधर मैं गणेश गोजियाल जी दूसरे लोगों को देख रहा था, हमारे MLA हैं वहाँ के प्रताप नगर के भाई नेगी जी, और सब लोगों को देख रहा था। ये सब लोग एक इसी आपकी प्रोसेस से, जो कांग्रेस की प्रोसेस से निकल करके आए, और मैं अपने छोटे भाई और अपने प्रदेश सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष के साथ आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया युवाओं को आगे लाने की कांग्रेस निरंतर जारी रखेगी, और देवेंद्र उपाध्याय जी और उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। ये आपके हितों के चौकीदार बनकर के उभरेंगे। बस शर्त केवल एक है, शर्त एक है कि आज तो इस सरकार को तो उखाड़ फेंकना है। धर्मानी जी ने बहुत ठीक कहा कि ये आज चेतावनी देने का समय नहीं है, आज तो उखाड़ फेंकने का आह्वान है। ये आपने और हमने नहीं किया है, ये आपने आह्वान किया है, आपने लिखा है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब उखाड़ फेंकने के लिए आपको जिले जिले गांव गांव जा करके इस अलग को, इस मशाल को सब स्कूल कॉलेजेस तक, नौजवानों तक पहुंचाने का काम करना है, ताकि हम चले थे जानवे मंजिल, अकेले चले थे जानवे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, और 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन गई। ये कहने का आपको और मैं आप नौजवानों से बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस का रिकॉर्ड
रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, नौकरियों के लिए हमेशा बड़ा ऊंचा रहा है, धवल रहा है। हमने विकास के साथ रोजगार को अनिवार्य शक्ति ताकत के रूप, अनिवार्य शर्त के रूप में जोड़ने का काम। हमारा विकास मोदी मॉडल का विकास नहीं है, जिसमें अडानी अंबानी की दौलत सैकड़ों गुना मंजर बढ़ जाती है लेकिन रोजगार सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और लोगों से काम छिन जाता है। हमारा मॉडल मोदी मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल सोनिया गांधी मॉडल है, जिसके अंदर रिक्त पद भरे जाते हैं, सरकारी पद सृजित किए जाते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए मनरेगा जैसी स्कीमें चलाई जाती है। ये मॉडल सोनिया मॉडल, मनमोहन सिंह मॉडल, राहुल गांधी मॉडल। मैं आप एक बात और ये मोदी जी के शासन के फासले को अंदर कोई ऐसा ऊंचा पहले पायदान पर खड़ा आपको राष्ट्रीय नेता दिखाई देता है किसी भी पार्टी का, चाहे वो दिल्ली वाले हो, दिल्ली से बाहर वाले हो, कोई दिखाई देता है? राहुल गांधी जी के अलावा जिन्होंने मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर ललकारते हुए कहा कि तुमने देश को बर्बाद कर दिया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और नौजवानों को बेरोजगार बना दिया है और हमेशा रोजगार के सवाल पर आगे बढ़ करके उठा करके मोदी सरकार के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार यदि कोई व्यक्ति तो आज दिखाई देता है तो राहुल गांधी जी का है। और हम देवेंद्र यादव जी के माध्यम से राहुल जी से विनम्रता से कहना चाहते हैं कि उनकी इस मुहिम में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड की कांग्रेस, उत्तराखंड की युवा कांग्रेस, उत्तराखंड की NSY, उत्तराखंड की महिला कांग्रेस, उत्तराखंड की किसान कांग्रेस, कांग्रेस के सारे लोग एकजुट खड़े हैं। हमारा मकसद केवल सत्ता नहीं है, हमारा मकसद लोक कल्याण है, हमारा मकसद लोगों के भाग्य में परिवर्तन है, हमारा मकसद तरक्की लाना है, हमारा मकसद युवाओं के लिए नए सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए साथियों, हमने उत्तराखंड में भी आज जितने उद्योग लगे भी दिखाई देते हैं, आप किसी भाजपा वाले से कह दो, ये गंगा जली हाथ में लेकर के कसम उठा करके कह दें कि इन्होंने कोई उद्योग लगाया? सारे के सारे उद्योग जिनमें आपके भाइयों को काम मिला है सब कांग्रेस ने लगाने का काम किया। मैं अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा के सामने सांकेतिक धरने पर बैठ गया था। हम देश के अंदर पहली कांग्रेस जिन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए 70% यहाँ लगे हुए उद्योगों में आरक्षण होना चाहिए, जिसको आज सारी राज्य सरकारें फॉलो करने का काम कर रही है। ये उत्तराखंड और मुझे खुशी है कि किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में हमने एक ही साल में 32,000 नौजवानों को सरकारी पदों पर नौकरी में रखने का काम किया। हमारी बहन सरिता ने कहा कि शिक्षकों के सारे प्रकारों को समाहित करते हुए हमने केवल दो प्रकार रखे, एक तो नियमित शिक्षक और दूसरे जो है अतिथि शिक्षक। आज अतिथि शिक्षक मारा ढूंढ रहा है। हमने भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, हमने मेडिकल बोर्ड गठित किया, हमने शिक्षा बोर्ड गठित करने का काम किया, हमने तकनीकी शिक्षा बोर्ड गठित करने का काम किया ताकि वॉक इन इंटरव्यू हो सके, नौजवानों को नौकरियां मिल सके।
जिस समय हमारी सरकार गई 12,000 पदों का 32,000 पद भर करके गए, 12,000 पदों का अध्याचन प्रारंभ करके गए। जब मैं अपने मीडिया के भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं, जरा पूछ करके देख लीजिए उन 12,000 पदों में, जब त्रिवेंद्र की सरकार आई उन्होंने 9,000 पदों को मृत पद घोषित कर दिया, पदों को ही समाप्त कर दिया, नए पद सृजित करना तो एक तरफ, कौन लेगा उसका बदला? ये बदला आपको लेना है, अपने बेरोजगार नौजवान साथियों का ये बदला आपको लेना है। परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन लोगों के भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा के लोग आज कर दिए, अखबारों की कटिंग आप कर रख लीजिए, तो जितनी युवा आबादी नहीं है देश राज्य उत्तराखंड की, 40% 40 वर्ष से नीचे की उम्र की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोगों को त्रिवेंद्र सिंह सरकार पिछले एक साल में नौकरी दे चुकी है। यदि